सवाल: आग्नेय चट्टान क्या है? उदाहरण सहित समझाएं। अर्थात दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, ये किस तरह से बाहर आता है। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते तो चलिए बताते हैं। ज्वालामुखी जमीन से बाहर आता है, जिसमें बहुत गर्म लावा होते हैं। जब लावा बाहर आता है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अंत में ठंडा होने के बाद लावा द्रव्य के रूप से ठोस में परिवर्तित हो जाता है और वही लावा चट्टान का रूप ले लेता है। इसे ही हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म के अंश नहीं होते, बल्कि इसमें कई प्रकार के धातु यानी लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, किताब के द्वारा दिए गए जवाब को भी देख लेते हैं। जवाब: आग्नेय चट्टान वह चट्टाने हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। जब तप एवं तरल मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है और ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं। इनमें सोना, लोहा, निकेल, तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। In